लेकिन इधर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की। उन्होंने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। श्रीकांत त्यागी मामले पर उसका गिरफ्तारी हो गई है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। प्रशांत जी, जो गिरफ्तारी हुई है किस रूप में हुई है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, किससे संपर्क रहा है, इस संबंध में पूरी जानकारी, पुलिस कार्रवाई जो अब तक हुई है इसका विवरण और पूरे खुलासे के साथ पुलिस आयुक्त के द्वारा अपराहन में दिया जाएगा। देखिए, अपराध को लेकर कानून व्यवस्था जो आप लोगों की रही है इसकी सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है और जीरो टॉलरेंस रहा है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो ये जो पूरा मामला है मुख्यमंत्री के संज्ञान में था। मुख्यमंत्री खुद सुबह 4 बजे से इस पूरे मामले में सब पे संपर्क में थे। ये जब कोई ऐसी घटना होती है तो शासन के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं और शासन की नीति हमेशा से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी। और कितने भी रसूख का व्यक्ति हो, उसके अगर कोई अपराध होता है तो उसके विरुद्ध नियम के अनुसार ही कार्रवाई होती है और उसी के तहत पुलिस आयुक्त के द्वारा इस संबंध में पूरी चीज़ें शेयर की जाए। जी, श्रीकांत त्यागी कहा जा रहा है कि सफ़ेदपोश अपराधी रहा है और सफ़ेदपोश का उसका वरदान उसको मिलता रहा है। ये चीज़ें सभी प्रश्नों के, आपकी जो क्वेरीज हैं इस संबंध में, आप बेहतर होगा कि वहाँ के पुलिस आयुक्त से बात करें। ऑपरेशनल डिटेल आने के बाद ही कोई चीज़ मुख्यालय से बताना उचित होगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से टीम गई थी, उत्तराखंड भी गई और हर जगह तबिश हो रही थी क्योंकि खुद डीजीपी साहब, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आप, एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी, कोई भी इस पूरे मामले में काफ़ी एक्टिव था। लेकिन अगर गिरफ्तारी 3-4 दिन हो गई तो इस पे एक थोड़ा सा होता है कि आखिर ये किस तरह का अधिकारी अपराधी था। ये सारी जो डिटेल थी कल बताया जा चुका है कि हमारी टीमें लगातार विभिन्न प्रदेशों में भी दबिश दे रही थी और जो इस पूरे प्रकरण के गंभीर और छोटे छोटे पहलू हैं वो पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं इस चीज़ों को प्रेस के साथ साझा किया जाए। एक सवाल जनता के मन में है कि गनर को लेकर, कि बहुत सारे गनर उसे दिया गया मौखिक तौर पर, अनऑफिशियल तौर पे, तो जिन अधिकारी, जिन कर्मचारियों का नाम इसमें आएगा उन पे भी एक्शन होगा? 2020 फरवरी के बाद से उपरोक्त व्यक्ति के पास कोई गनर उपलब्ध नहीं है और इस संबंध में सक्षम स्तर से कार्रवाई की जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, साफ कहना है कि इस मामले पर आलोक कुमार जो पुलिस कमिश्नर हैं नोएडा के, वो प्रेस करेंगे, चीज़ों को बताएंगे, लेकिन कितना भी रसूखदार व्यक्ति होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और जो लोग भी संलिप्त होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। और वहीं समाजवादी पार्टी ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जनाक्रोश की वजह से श्रीकांत की गिरफ्तारी हुई। आज पूरे प्रदेश की जनता शर्मिंदा है कि ऐसे गुंडों को संरक्षण देने वाले पार्टी इस समय सरकार में है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं कहीं भी और कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, सांसद जी कहते हैं शर्मिंदा हूँ, विधायक कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ, योगी जी आप शर्मिंदा क्यों नहीं है, और संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, उसको गनर किसके कहने पर दिया गया था, सरकारी गाड़ी सरकारी एम्बलम का इस्तेमाल लगाकर किसके कहने पर चल रहा था, किसके संरक्षण के वजह से लगा तमाम केस के बावजूद उसके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, आपका असली चेहरा अब उजागर हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।